हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे एक पेनी स्टॉक को लेके, जो पेनी स्टॉक अभी सिर्फ 10 रुपये में ट्रेड कर रहा है, ओनली 10 रुपीज में ट्रेड कर रही है। और ये पेनी स्टॉक का नाम है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। और जो है स्टॉक, काफ़ी सारे न्यूज़ जो है स्टॉक में ऑलरेडी चल रहा है और काफ़ी लोग ऑलरेडी इसको बाय करके रखे होंगे और काफ़ी लोग जो है इसको बाय करने के लिए जो है सोच रहे होंगे। तो पूरा जो है एनालाइज करके जो है रिप्रेजेंट करेंगे कि स्टॉक को बाय करना चाहिए या फिर बाय नहीं करना चाहिए, और अगर आपने बाय किया है तो आपको क्या करना चाहिए। तो अंत तक बना रहिए, और अगर चैनल में नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। जो स्टॉक का नाम है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, काफ़ी वेल नोन ब्रांड है, पेनी स्टॉक बन चुका है। भले कि पहले जो है एक क्वालिटी स्टॉक हुआ करता था कुछ सालों पहले, लेकिन जो है टेलीकॉम सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि रातों रात जो है कंपनी का जो है इमेज जो है चेंज होने में टाइम नहीं लगती है। तो वोडाफोन आइडिया के साथ सेम वैसा ही हुआ था। तो कंपनी का देखिए NSE BSE दोनों में लिस्टेड है। मार्केट कैप अगर देखें तो 29,224 करोड़ का, करीब करीब 29,500 करोड़ रुपया कंपनी के पास अभी भी मौजूद है मार्केट कैप का हिसाब से। करेंट प्राइस स्टॉक का 10 रुपया 20 पैसा चल रहा है, और स्टॉक का हाई एंड लो अगर देखें, एक साल का 4.5 रुपया का लो और 16.5 रुपया का हाई। स्टॉक का PE दिया हुआ नहीं है, बुक वैल्यू नेगेटिव में है 18%। कंपनी डिविडेंड बिल्कुल नहीं देती है। कंपनी का ROCE 51% जो है नेगेटिव में है, काफ़ी मैटर करता है, 51% नेगेटिव में चल रहा है। वोडाफोन आइडिया इज वन ऑफ द लीडिंग टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स इन इंडिया। द कंपनी इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मोबिलिटी एंड लॉन्ग डिस्टेंस सर्विसेज, ट्रेडिंग ऑफ हैंडसेट्स एंड डेटा कार्ड्स। तो ये सेम जो हम सिम कार्ड वगैरह यूज करते हैं, तो ये सिम कार्ड जो है वोडाफोन VI, अभी जो कंपनी का नाम VI जो ये ब्रांड से चला रही है। तो कंपनी ने ट्राई बहुत अच्छा किया था, मार्केटिंग स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छा था कि एक नया ब्रांड जो है वोडाफोन और आइडिया को मार्च करके VI करके उसको रिप्रेजेंट भी काफ़ी अच्छा किया था, लेकिन कंपटीशन अभी मार्केट में ऐसा है टेली कम्युनिकेशन सेक्टर में जो है, तो वहाँ पे जो है अपना स्टैंड वोडाफोन आइडिया ने अभी तक बना नहीं पाया है। और जो है काफ़ी सारा न्यूज़ भी चल रहा है कि जो है गवर्नमेंट जो है स्टॉक को शायद से मार्च करना चाहती है, किसी गवर्नमेंट मान लीजिए कि BSNL के साथ मार्च करना चाहती है, तो ये सब न्यूज़ भी चल रहा है। तो अगर ओवरव्यू अगर देखें तो ओवरव्यू में सबसे नेगेटिव पॉइंट जो है बुक वैल्यू नेगेटिव में है और ROCE 51% नेगेटिव में है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो चार्ट स्ट्रक्चर में करीब इस तरह का मूवमेंट जो है कंपनी ने दिखाया था, एक साल में 6 रुपया का करीब जो है कंपनी ने लो बनाया था अगस्त महीना में 2021 को, और जो है अभी भी करीब करीब इसी रेंज में 10 रुपये का करीब अभी ट्रेड कर रहा है। मैक्सिमम अगर बात करें कंपनी का ऑल टाइम ट्रेडिंग में अगर बात करें तो करीब करीब जो है ये जो है दिख रहा है आपको 120 रुपया का करीब जो है कंपनी हुआ करती थी 2016 को ही। और जो है उसके बाद जो जब से जियो का जो बिजनेस जो कैप्चर कर लिया जियो ने, उसके बाद वोडाफोन आइडिया में काफ़ी एक जो है गिरावट दिखा था, लेकिन कंपनी ने धीरे धीरे जो है बैक टू ट्रैक आने के लिए काफ़ी ट्राई किया। जैसे कि अभी जो है रिसेंटली मार्च कर दिया, कुछ महीनों पहले मार्च करके जो है कंपनी ने अपना इमेज ही बना दिया, तो काफ़ी चांसेस था कि कंपनी वहाँ से फिर से एक नया स्टार्ट करके फिर से जो है पहले बैक टू दी ट्रैक आ सकता था, लेकिन वैसा हुआ नहीं। अभी भी कंपनी का शेयर का प्राइस सिर्फ 10 रुपया है। और अगर कंपनी का पेयर कंपनी देखे तो यहाँ पे देखिए भारती एयरटेल सबसे बड़ी कंपनी इंडिया में अभी, जो कि पुरानी भी है और क्वालिटी भी है और काफ़ी अच्छी है भारती एयरटेल, और साथ ही साथ जो है जियो का है। तो ये दोनों में कंपटीशन जो है काफ़ी टफ कंपटीशन है मार्केट में। जो है जियो का सिम जो ज़्यादा चलता है, भारती एयरटेल का ज़्यादा चलता है, लेकिन वोडाफोन आइडिया से आदमी लोग जो है स्विच करके अदर टेलीकॉम प्रोवाइडर टेली सर्विस को जो है
टेलीफोन सर्विस को जो है चॉइस चूज कर रहे हैं। मैं खुद भी जो है एयरटेल का यूज करता हूँ। ये भी मैटर करता है कि हम लोग क्या डेली बेसिस में क्या यूज करते हैं, क्योंकि अगर मैं देखूं मेरा घर में या फिर मेरा आसपास मुझे कहीं नहीं दिखता वोडाफोन आइडिया का ब्रांच VI, या फिर मेरे कोई दोस्तों के पास भी उसका सिम नहीं दिखता। तो इसका मतलब यही है कि इसका जो विजिबिलिटी है, जो इसका डिमांड है, वो काफी हैम्पर्ड हो चुका है। तो स्टॉक का जो है अभी कहीं भी जाएंगे तो भारतीय एयरटेल सर्विस भी दे रहा है, अच्छा ब्रांड भी अच्छा बना लिया है, और जियो तो सबको मालूम ही है क्या है। और जो है वोडाफोन आइडिया में इसमें अभी तक उस तरह का कोई जो है प्लान जो है नहीं दिख रहा है। तो ये भी एक कारण है कि जो है कंपनी अभी पीछे रह अभी काफी पीछे है। तो अगर सेल्स की अगर बात करें, करीब करीब जो है तीन क्वार्टर का सेल्स देखेंगे, जून 2021 को 9,151 करोड़ का सेल्स था, सितंबर 2021 को 9,406 करोड़ का जो है सेल्स था, दिसंबर 2021 को 9,717 करोड़ का सेल्स था। तो सेल्स लगभग ठीक है। और अगर देखिए अगर नेट प्रॉफिट का अगर बात करें, तो इस तरह से जो है कंपनी ने अपना लॉस दिखाया था 2019 को 4,882 करोड़ का लॉस, जून 2021 को 7,319 करोड़ का लॉस, सितंबर 2021 को 7,132 करोड़ का लॉस, और दिसंबर 2021 को 7,231 करोड़ का लॉस। तो काफी ज्यादा लॉस कंपनी क्वार्टर टू क्वार्टर कंटिन्यूअसली जो है बुक कर रहा है। और रिसेंटली जो है टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में जो है टैरिफ प्लान बढ़ाया गया है, लेकिन उसका भी जो है जियो पे भारतीय एयरटेल पे जो है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है, लेकिन वोडाफोन आइडिया में उसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं दिखता है। तो नेट प्रॉफिट में देखिए ह्यूज लॉस कर रही है कंपनी। और अगर कंपनी का अगर बोरिंग्स देखे तो बोरिंग्स देखिए कंपनी जो कर्ज है कंपनी के ऊपर, मार्च 2010 को कंपनी के पास 7,859 करोड़ रुपया का कर्ज था, 2015 को सेम कर्ज हो गया 26,000 करीब 27,000 करोड़ का, और 2020 को कर्ज जो है 27,343 करोड़ का लॉस जो है डेट कंपनी के पास थी, और टिल डेट अभी जो है करीब करीब 2,07,342 करोड़ का जो है डेट कंपनी का सिर पे है। तो 2,07,000 2,07,342, ये सारा जो है डेटा मैटर करता है कंपनी का परफॉर्मेंस में, क्योंकि देखिए 2,07,340 करोड़ का करीब जो है कंपनी ने ऑलरेडी डेट जो है कर्ज मार्केट से उठाया हुआ है, जो कि काफी एक नेगेटिव पॉइंट है। अगर यहाँ पे देखिए प्रोमोटर होल्डिंग की अगर बात करें, तो प्रोमोटर होल्डिंग में करीब करीब 72% का होल्डिंग प्रोमोटर के पास है, जहाँ पे ग्रासिम इंडिया, प्राइम मेटल्स लिमिटेड, ये सब का जो है स्टेक कंपनी के पास है। FII का होल्डिंग पहले 13% का हुआ करती थी, अभी 4.20% का होल्डिंग है। बाकी जो है होल्डिंग जो है स्क्वायर ऑफ बुक कर दिया गया है। DII का भी जो है होल्डिंग पहले 4.5% का हुआ करती थी, अभी 1.37% का अभी बचा हुआ है। और पब्लिक के पास जो है 22.5% का होल्डिंग पब्लिक के पास है। तो ये जो स्टॉक है वोडाफोन आइडिया दिखता है तो मतलब एज अ प्राइस अगर देखिए पेनी स्टॉक में तो काफी अट्रैक्टिव है, काफी अट्रैक्टिव स्टॉक है। तो प्राइस सस्ता है, इसलिए काफी लोग शायद इसको बाय भी कर रहे हैं या फिर करने के बारे में सोच भी रहे होंगे। लेकिन वैल्यूएशन का हिसाब से अगर देखेंगे तो कंपनी का फ्यूचर बिल्कुल डार्क दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो है अभी टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में जो है मेन जो है जाइंट बन के निकला है भारतीय एयरटेल जियो। और इन कंपैरिजन अगर आप वोडाफोन आइडिया का अगर बात करें, तो इनमें जो है अभी जो है जो पहले का ही जो डेटा है उसको ही जो है कंपनी जो है पकड़ के नहीं रख पा रही है। तो नया नया जो है कस्टमर एक्वायर तो जो है एकदम से बंद बोलेंगे तो भी चलेगा। तो ये वोडाफोन आइडिया जो कंपनी का जो स्टॉक है बिल्कुल दूर रहना चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशन जब तक ठीक नहीं होता, अभी तो वैल्यूएशन ठीक नहीं है, तो शायद से आपको
ये भी दिखेगी कंपनी के शेयर 5 रुपया, 2 रुपये, 1 रुपये, या फिर कंपनी भी मार्केट से अगर रहे ना रहे उसको उसको उसके बारे में भी जो है कंफर्म बता पाना काफ़ी मुश्किल है। तो यही यही सजेशन रहेगा कि यही पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा कि वोडाफोन आइडिया का जो शेयर है इससे जो है थोड़ा अगर दूरी बना के रखे तो ही बढ़िया है, क्योंकि फंडामेंटली टेक्निकली कंपनी बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता है।